हेलो गाइस, तो आज रजत भाई के साथ करते हैं मधमहेश्वर मंदिर के दर्शन और साथ ही साथ यहाँ का जो ट्रैक है उसका आनंद भी आप साथ साथ में लेते चलेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप लोग मंदिर के दर्शन कीजिए और फिर आपको ट्रैक के दर्शन हम लोग कराएंगे। तो देखिए क्या सुंदर और कितना अच्छा नज़ारा जो है वो ये है। देखिए जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक का नाम प्रसिद्ध मधमहेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और पंच केदार यात्रा में शामिल पांच मंदिरों में से एक ट्रैक यह है। तो यह एक मध्यम ट्रैक है और उन शुरुआती लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो सुंदर गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस यात्रा को जो है सर्वप्रथम कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर आप लोग किस किस साधन के द्वारा आप ये ट्रैक पूरा कर सकते हैं। खच्चर, टट्टू, घोड़े, कुली और गाइड किसी को भी गांव से किराए पर जो है लिया जा सकता है और शुरुआती बिंदु तक पहुँचने के मामले में रांसी जो है वो आखिरी गाँव है। रांसी तक आप लोग टैक्सी से, बाइक से, कैब से, अपने निजी वाहन उतर जाएंगे या अंकल जो भी आ रहे हैं। यहाँ गया भाई, रास्ता तो मिल गया। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे इस ट्रैक के जो हैं वो हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और ट्रैक का और मंदिर का हर जगह का जो है आनंद लेते चलिए। जब तक मैं आपको महाभारत के नायकों यानी कि जो पांडवों से संबंधित है उस कथा का जो है वो आपको सुनाता हूँ। देखिए महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों को हरा दिया था और मार डाला था। वे युद्ध के दौरान गोत्र हत्या, ब्राह्मण हत्या, इन सब पापों का प्रायश्चित जो है वो लोग करना चाहते थे। देखिए साथ साथ में कितना अच्छा झरना वो है बह रहा है, आप झरने का भी आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर जो है अपने रिश्तेदारों को सौंप कर और भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए और अपना जो पाप जो किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए वो लोग निकल पड़े। तो पांडव जो थे सबसे पहले पवित्र शहर वाराणसी यानी कि काशी गए जो कि शिव जी का पसंदीदा शहर माना जाता है। उसके बाद वहाँ पर भगवान शिव नहीं मिले और उन्होंने भगवान शिव ने जो है उनकी प्रार्थना की, अवहेलना की और उन्होंने एक बैल नंदी का रूप जो है वो धारण कर लिया भगवान शिव ने और गढ़वाल के क्षेत्र में आकर छिप गए। तो वाराणसी में भगवान शिव नहीं मिले तो पांडव जो है वो गढ़वाल हिमालय की ओर जो है वो चल पड़े और ऐसे ही पंच केदार की यात्रा जो होती है उन्होंने पांचों केदारों की यात्रा की है जो कि केदार खंड में भी जो है वर्णन जिसका किया गया है। तो इस प्रकार पांचों केदारों की उन्होंने यात्रा की और हर जगह पर भगवान शिव ने अपना कोई ना कोई चिन्ह प्रतीक के रूप में विराजमान किया हुआ है। तो लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव का जो है वो आशीर्वाद पाते हैं। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए क्या ट्रैक है, कितना सुंदर नज़ारा है। मंदिर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही क्षणों में आपको मंदिर के दर्शन जो है वो कराए जाएंगे।